G20 समिट से पलट गई बाजी, पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार, क्या बढ़ेगी विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें। G20 समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन भारत में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात भी एक चर्चा का विषय बन गई है। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए रात्रि भोज में सबकी निगाहें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर टिकी थी। खास बात यह है कि इतने विदेशी मेहमानों के बीच पीएम मोदी का नीतीश कुमार के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त निकालना खास मायने रखता है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार और पीएम मोदी की इस बातचीत के मतलब निकाले जा रहे हैं। खास तौर पर अंदरखाने INDIA के नेताओं में इसको लेकर सुबुगाहट भी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच नीतीश कुमार से 15 से 20 मिनट तक क्या बात कर रहे थे। नीतीश कुमार और पीएम मोदी की आमने सामने मुलाकात तकरीबन 1.5 साल के बाद हुई है। फोटो में पीएम मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से नीतीश कुमार का परिचय कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। रात्रि भोज में मौजूद लोगों की माने तो नीतीश कुमार और पीएम मोदी में तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बातचीत हुई है। अब आपको बताते हैं दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच नालंदा विश्वविद्यालय पर चर्चा हुई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में रात्रि भोज के लिए जिस स्थान पर खड़े होकर G20 प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे थे, उसके बैकग्राउंड में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर लगी हुई थी। पीएम मोदी आने वाले हर मेहमान को नालंदा विश्वविद्यालय का महत्व भी बता रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर चीन के प्रधानमंत्री तक सबको नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से पीएम मोदी परिचय करा रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं-12वीं सदी के बीच विश्व में शिक्षा केंद्र था। इसकी विरासत महावीर और बुद्ध के युग से चली आ रही है, जो प्राचीन भारत की प्रगति को दर्शाता है। जानकारों की माने तो पीएम मोदी ने जिस नालंदा विश्वविद्यालय को महज कुछ ही घंटों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ला दिया, उसको लाने में नीतीश कुमार सालों से कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई जतन भी किए, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। पीएम मोदी ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी दुनिया के सामने ऐसे सहज तरीके से ला दिया जिसकी तारीफ अब खुद नीतीश कुमार भी करने से नहीं थकेंगे। बता दें, नीतीश कुमार नालंदा से ही आते हैं। पिछले साल अगस्त महीने में NDA छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की पीएम मोदी से आमने सामने ये पहली मुलाकात थी। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की मुलाकातें होती रहेगी, जिनकी चर्चा भी होगी, और राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग मायने भी निकालते रहेंगे।